आगरा बजरंग दल द्वारा जिहादी तौसीफ का पुतला दहन किया। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हिंदू बहन निकिता तोमर का मुसलमान युवक तौसीफ, जो निकिता को पूर्व में भी धर्मांतरण करने के लिए पीछे पड़ा हुआ था, 3 दिन पहले अपहरण करने के उद्देश्य से तौसीफ और उनके मित्र ने कोशिश की। कोशिश में सफल न होने पर निकिता को गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। संगठन सदैव लव जिहाद धर्मांतरण के खिलाफ लड़ता आया है। उसके रोष में लव जिहादियों का आज रामबाग चौराहे पर पुतला दहन किया गया। इस दौरान पहुंची क्षेत्रीय पुलिस व बजरंग दल कार्यकर्ताओं से हुई नोकझोंक के दौरान पुतला दहन पर डाला पानी व बुझाई आग। बजरंग दल ने पुलिस पर लगाया आरोप। पुलिस और बजरंग दल की नोकझोंक के दौरान अपशब्द व अश्लील शब्दों का किया प्रयोग। बजरंग दल सरकार से निवेदन है कि इस जिहादी को जल्द से जल्द फांसी दे। संवाददाता अर्पित रजावत। बजरंग दल द्वारा आज जो पुतला दहन करने आए, किस समस्या को लेकर पुतला दहन कर रहे? ये 26 तारीख को हमारी हिंदू बहन निकिता को तौसीफ नाम को युवक जो बल्लभगढ़ स्थित बल्लभगढ़ में एग्जाम देने गई थी, जिसको पहले तो अपहरण करने की कोशिश की गई। अपहरण में ना कामयाब ना होने पर बहन को गोली मार दी, जिसमें उसकी हत्या हो गई। आए दिन देखे जाते हैं कि लव जिहाद के मामले आते रहते हैं। उसके लिए आज पुतला दहन का प्रोग्राम किया गया। किस समस्या को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुतला फूंकने की क्या कहना चाहेंगे आप? जय श्री राम। अनिल शर्मा, जिला सह संयोजक बजरंग दल, जिला रामबाग। आज जो कल बल्लभगढ़ में हिंदू लड़की की मुसलमान कोर्टी ने जो खुलेआम हत्या करी है दिल में, उस चक्कर में आज कोर्ट का हमने पुतला दहन किया। पुतला दहन करने आए, पुलिस प्रशासन ने अपशब्द कहे और पुतला दहन नहीं करने दिया। हम प्रशासन से योगी जी से अनुरोध करते हैं, इन पुलिस वालों के खिलाफ चौक इंचा नुनियाई राहुल चौधरी जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बजरंग दल के लोगों को बदतमीजी अब सब बोल रहा है। अच्छा, ये लव जिहाद को लेकर आप बजरंग दल द्वारा क्या मांग चाहते हैं शासन प्रशासन से? मैं शासन से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से अनुरोध करता हूँ कि लव जिहाद में एक बढ़िया कानून बनना चाहिए, जिससे जो ये लव जिहाद की घटनाएं आए दिन अधिक हो रही है, उस पर रोक लगे और उनका सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।